नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई आ रही है। सिडनी में सिराज से फिर हुई है बदतमीजी। कमेंट करने वाले दर्शकों को किया गया स्टेडियम से बाहर। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन सिराज पर फिर हुआ नस्लीय कमेंट। ग्राउंड में मौजूद शराब के नशे में कुछ दर्शकों ने सिराज को गालियां तक भी दे दी हैं। सूत्रों के मुताबिक दर्शकों के कमेंट्स बहुत अपमानजनक थे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने गाली गलौज की है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सिराज से भी लगातार बदतमीजी हुई है। ऐसे में दर्शकों ने भद्दे कमेंट किए, गाली गलौज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई आ रही है। सिडनी में सिराज से फिर बदतमीजी हो गई है। इससे पहले भी उनके संग बदतमीजी की गई थी, जहां पर दर्शकों ने शराब के नशे में गाली गलौज की है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि ऐसे में स्टेडियम से उनको बाहर भी निकाल दिया गया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ऐसे में ग्राउंड में ये सभी मौजूद थे, जिसके बाद शराब के नशे में कुछ दर्शकों ने सिराज को गालियां दी हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने गाली गलौज भी दे दी है। इस वक्त की ताजा और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बार फिर कुछ दर्शकों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की है। सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बार फिर कुछ दर्शकों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की। सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन टाइट सुरक्षा के बावजूद फिर सिराज से बदतमीजी हो गई है, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक मैच रोक दिया गया। टीम इंडिया ने मैच के दौरान इस बात की शिकायत अंपायरों से की थी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे दर्शकों को उस ग्रुप के स्टेडियम से बाहर कर दिया, जिसने सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की थी। भारतीय टीम मैनेजमेंट सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों को इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने सुरक्षा अधिकारियों से टी ब्रेक के दौरान इस घटना पर काफी चर्चा की। चौथे दिन मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अंपायरों से दर्शकों के व्यवहार को लेकर बातचीत की, जिसके कारण खेल को करीब 15 मिनट तक रोका भी गया। अंपायरों ने इसके बाद स्टेडियम के सुरक्षा कर्मियों से बात की है। सुरक्षा कर्मियों ने दर्शक स्टैंड में आकर कुछ दर्शकों से बात की और उन्हें स्टेडियम से बाहर कर दिया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू हो पाया। ये घटना चौथे दिन 85वां ओवर में हुई थी। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भी मोहम्मद सिराज पर लगातार कमेंट किए गए। ग्राउंड में मौजूद शराब के नशे में कुछ दर्शकों ने सिराज को गालियां तक दे दी। इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने आधिकारिक शिकायत दर्ज की थी। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार सिराज को सिडनी क्रिकेट मैच के एक स्टैंड में उपस्थित नशे में धुत एक दर्शक ने मंकी बंदर कह दिया, जिससे 2007-2008 में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे को मंकी गेट प्रकरण की याद ताजा हो गई। दिलचस्प बात तो ये थी कि मंकी गेट प्रकरण भी सिडनी टेस्ट के दौरान ही हुआ था, जब एंड्रयू साइमंड्स ने दावा किया था कि हरभजन सिंह ने उन्हें कई बार बंदर कहा था, लेकिन भारतीय ऑफ स्पिनर को इस मामले की सुनवाई के बाद पाक साफ करार दिया गया। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने गाली दी है और जसप्रीत बुमराह को भी गाली दी गई है। शराब के नशे में इस पूरी घटना को अंजाम इन दर्शकों ने दिया है। ऐसे में सिडनी में सिराज से फिर बदतमीजी हो गई है। कमेंट करने वाले दर्शकों को स्टेडियम से बाहर तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये जो हरकतें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सिराज के साथ लगातार दर्शक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में ग्राउंड में मौजूद शराब के नशे में कुछ दर्शकों ने सिराज को गालियां दे दी। सूत्रों के मुताबिक दर्शकों के कमेंट्स बहुत अपमानजनक थे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने गाली दी। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।